नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी। खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए जापान के ओसाका पहुंचे, जहां G20 समिट के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं अन्य वैश्विक नेताओं के साथ हमारी दुनिया के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हूँ। महिला सशक्तिकरण, डिजिटलाइजेशन और जलवायु परिवर्तन जैसी प्रमुख वैश्विक चुनौतियां, हमारा समाधान इसी बैठक का मुद्दा होगा। ग्वालियर में आधा दर्जन किन्नर समाज के लोग इकट्ठा हो गए और कुछ दफ्तरों में अंदर दाखिल होकर उत्पात मचाने लगे कि हमारी फोटो खींचो। इस बीच किन्नरों ने बाहर खड़े आते जाते लोगों से बदसलूकी करना शुरू कर दिया और इतना ही नहीं, एक लड़की का मोबाइल छीनकर तोड़ भी दिया। आपको बता दें कि सारे मामले की जड़ एक वीडियो है जो कि कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था, जिसमें एक होटल में चल रही पार्टी में डांस चल रहा था और इस बीच कुछ किन्नर एक दूसरे को पकड़कर डांस करते दिखाई दे रहे थे। फिलहाल पुलिस ने सभी किन्नरों को हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सूचना अभी प्राप्त हुई थी कि कुछ किन्नर लोगों ने रोड जाम करने की कोशिश करी, उपद्रव मचाया। उसके पीछे कारण क्या है वो जांच का विषय है। अभी उन लोगों को थाने ले गए पूछताछ के लिए। जो भी पूछताछ के बाद तथ्य सामने आएंगे आप लोगों को बता देंगे। किन्नर है? 5 से 7 लोग हैं। एग्जैक्ट गिनती तो मैंने नहीं करी है, ले जाकर उनको थाने बैठवा। छात्रों के संग मारपीट की। अब मैं आपके सामने आया हूँ, जो भी तथ्य सामने आएंगे वैधानिक उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप लोगों से निवेदन है, अगर आपके पास कोई भी उसके प्रूफ या कोई फुटेज हो तो प्लीज उपलब्ध कराएं। टीकमगढ़ जिले के गोरगांव में एक युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल मृतक अपने दोस्त के साथ शराब पी रहा था कि तभी उसके दोस्त की नजर उसके पर्स पर पड़ी और उसकी नियत पैसों पर खराब हो गई। इसी लालच में उसने पहले मृतक के साथ लूट की, फिर उसको कैरोसिन डालकर जला दिया। तो वहीं पुलिस ने आरोपी कमलेश नायक को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया है। ये 27 जनवरी 2019 की रात को डायल नेट पे पॉइंट आया था कि गौर गांव के बस स्टैंड पे एक व्यक्ति झुलसा हुआ आग में ही पड़ा हुआ है। उस व्यक्ति की पहचान रामस्वरूप सोनी के रूप में की गई थी। उस घायल व्यक्ति को जब अस्पताल पहुंचाया गया तो फिर अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि वो अपने साथियों के साथ शराब पी रहा था और शराब के नशे में ही वह आग में गिर गया था, परंतु जो घटनास्थल था और घटनास्थल से जो उसका जो पर्स मिसिंग था जिसमें से उसके पैसे चुराए गए थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी ने लूट करके इसको हत्या करने का प्रयास किया है। रासायनिक परीक्षण कराया गया उसके कपड़ों का, तो उसमें ये पाया गया कि उसके ऊपर किसी ने केरोसिन डालकर उस पर आग लगाई गई। अगली खबर राजस्थान के रामगढ़ से है, जहां विश्व नशा मुक्ति दिवस के मौके पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान रैली में शामिल वाहनों पर नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में संदेश तख्तियां लगाई हुई थी। ये जागरूकता रैली भोजराज की ढाणी होती हुई कस्बे में पहुंची, जहाँ युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान किया गया। कस्बे में स्थित आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में 161वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिमन्यु शर्मा द्वारा छात्रों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताते हुए जागरूक किया गया। तो वहीं सीमा सुरक्षा बल इस कार्य की ग्रामवासियों ने जमकर सराहना की। झारखंड के जमशेदपुर में ढाकडीहा गांव में चोरी के आरोप में भीड़ की पिटाई के बाद युवक तबरेज अंसारी की हिरासत में मौत का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में पुलिस अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो वहीं तबरेज अंसारी के पिता मस्कूर अंसारी के पिता भी 12 साल पहले गला काट कर उसकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि इसे परिजनों ने सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उस समय मॉब लिंचिंग जैसा शब्द ही नहीं था। जमीयत भी एक केस लड़ेगी। 13 साल पहले तो मॉब लिंचिंग नाम का कोई चीज था ही नहीं, और जो खबर आ रही है वो गलत है। और हादसा हुई थी उस समय में उनके साथ, लेकिन आपसी कुछ मामला दोस्त यार में हुई है, उसी तरह से उसका मर्डर हुआ है। लेकिन ये मॉब लिंचिंग वाला बात गलत है, उस समय तो ऐसा कुछ था ही नहीं। बगल में रहता था, उनका नाम है मस्कूर आलम, और
उनको हम अच्छा से मेरा पड़ोसी है, हम जानते हैं। हल्दीपुर गया हुआ था, हल्दीपुर से लौटते समय में जो है उनका दो तीन दिन के बाद पता चला कि वहाँ उनका जो है मर्डर हो गया कहीं पर। मर्डर का कारण क्या था? कारण तो कुछ भी पता नहीं चला, और ऐसा कोई शिकायत भी नहीं आया कि कहीं से कोई मामला भी नहीं आया कि कोई ऐसा नाम उसका ईद दिया गया कि किसी जगह ऐसा कोई कांड हुआ है या कोई किसी का मामला था। हम लोग पूरा गांव वाला गए, और गांव वाला जाने के बाद में हम लोग देखे कि वो जो है फलाना नाला टाइप का ही था, वहाँ पर लाश फेंका हुआ था, उसको हम लोग पूरा गांव वाला उठा के लाए, गोली लगा हुआ था। मॉब लिंचिंग का मामला था क्या? ऐसा कुछ तो नहीं था। कर्नाटक के मांड्या में कावेरी और हेमावती नदियों के पानी को नहर में लाने की मांग करते हुए किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, जहां प्रदर्शनकारी किसान अपनी मांग सीएम कुमार स्वामी सहित राज्य मंत्री डी शिव कुमार के समक्ष रख चुके हैं। किसानों की मांग के है कि नहर में पानी छोड़ा जाए, जिससे खेती में खड़ी फसलों को बचाया जा सके। जाइकोर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट से पूरा देश उम्मीदें लगाए हुआ है, तो वहीं मोदी सरकार 2 का पहला आम बजट 5 जुलाई को पेश होने वाला है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी ये पहला बजट है, और उनके सामने आम लोगों से लेकर इंडस्ट्री, बाजार, अर्थशास्त्रियों, वित्त के जानकारों समेत कई लोगों की उम्मीदें सामने हैं। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में किस तरह आर्थिक क्षेत्र के लिए रोड मैप बनाती है, उसकी तैयारियों का खाका इस बजट में सामने आएगा। तो वहीं हीरे सोने को लेकर जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री ने अपनी पुरानी मांग को फिर से दोहराया है। दिनेश नावड़िया, रीजनल चेयरमैन जीजीयूपीसी गुजरात। सर, आने वाला जो बजट है, क्या अपेक्षाएं हैं और क्या कुछ मांगे हैं? आने वाला बजट के अंदर डायमंड सेक्टर और ज्वेलरी सेक्टर की 6-7 मेन हमारी डिमांड है। फर्स्ट डिमांड ये है कि पॉलिश डायमंड पे जो 7.5% ड्यूटी है उसको घटा के 2.5% किया जाए। दूसरी डिमांड है रिड्यूस ऑफ द गोल्ड ड्यूटी। 1% था स्टेट वाइज, अभी जीएसटी वेट था, सॉरी पहले 1% स्टेट वाइज, अभी जीएसटी हो गया है 3%। अपना जो कस्टम ड्यूटी है वो 10% है, और इंडियन कंज्यूमर्स जो है वो मैक्सिमम गोल्ड कंज्यूम करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड का। अगर आप रेशियो देखोगे तो इंडियन कस्टमर गोल्ड। टीम इंडिया आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड के साथ 30 जून को होने वाले मुकाबले में वैकल्पिक जर्सी पहनकर मैदान में उतरेगी, तो वहीं ये जर्सी नीले रंग की नहीं बल्कि नारंगी रंग की होगी। रंग नारंगी होने के कारण जर्सी विपक्ष के निशाने पर आ गई है, तो वहीं महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक नसीम खान ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। किसी भी प्रतीक या ऑरेंज या भगवा कलर का विरोध नहीं है। पहली बात तो भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ हम सारे लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। सवाल ये पैदा हो रहा है कि हमारे राष्ट्रीय खेलों में भी अब रंगों का खेल होगा, रंगों की राजनीति होगी। इस देश की सबसे आन बान शान हमारे देश का तिरंगा है, तिरंगे से बढ़कर किसी भी रंग की शान नहीं हो सकती। तिरंगा भी दिया जा सकता था, जब इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम तिरंगा जर्सी पहनकर खेलती तो हमारे भारतीय खिलाड़ियों के रोए रोए में और जान आती और मजबूती के साथ खेलती। लगता है ऐसा तो दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं बीसीसीआई पर किसी का दबाव तो नहीं है। ऐसे बीसीसीआई के लिए मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना वो यूं बेवफा नहीं होते। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद बीजेपी नेता सत्ता के नशे में गुंडागर्दी पर उतार है। इसी क्रम में बीजेपी के महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय ने इंदौर के बड़े बाजार में नगर निगम कर्मचारी को क्रिकेट बैट से दौड़ा दौड़ा कर पीटा, तो वहीं जिस पर कांग्रेस नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा का ओरिजिनल चरित्र और चेहरा सामने आ रहा है, सरकार से निकलने के बाद उनके हाल क्या है, चाहे उधर हम कमल पटेल के बेटे की बात कर ले, प्रहलाद पटेल जी के बेटे की बात कर ले, इधर इनको देखो आप, कैलाश विजयवर्गीय जी के बेटे के हाल देखो। ठीक है, जिस तरह से जो घटनाएं इन्होंने जो की है, इसके पहले भी जो घटनाएं जो हुई है, ठीक है, पहले लॉ एंड ऑर्डर की जो बात करते थे उस पर प्रश्न मार्क लगाने की बात करते थे, प्रश्न चिन्ह लगाने की बात करते थे, आज देखो जो खुद विधायक जो पीट रहे हैं, मतलब विधायक खुद किस तरह के कृत्य कर रहे हैं,
तो ये भाजपा का चरित्र है, ये चेहरा है भाजपा का। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति बन गई है, ये बेटों की संस्कृति है, चाहे वो प्रहलाद पटेल का लड़का हो, चाहे जालम सिंह पटेल का, चाहे कमल पटेल का, चाहे विजय वर्गीय पटेल का, ये अहंकार से भरपूर हैं। और ये जिस तरह की है, इसमें 353 की धारा वहाँ के TI और SP को लगाना चाहिए, साक्षी काम में बाधा, इसका वहाँ केस लगना चाहिए। मैं तो जहाँ तक मानता हूँ कि उनका कोई ज़्यादा दोष नहीं समझता है, क्योंकि बचपन से उनके पिताजी ने ऐसा सिखाया है उनको, आगे चल के दादागिरी, लोगों में आतंक फैलाना, और बची खुची थी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा में जाके उन्होंने ट्रेनिंग कर ली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम ही है कि षड्यंत्र फैलाओ, झगड़े करो, आतंक फैलाओ, ये काम उनका है। तो उसकी जैसी बच्चों को ट्रेनिंग दी गई है, तो ट्रेनिंग का ही परिणाम है कि इस प्रकार के उन्होंने मारा है। संज्ञान में आया है, ये दुखद घटना है। कोई भी विधायक जनप्रतिनिधि हर मुद्दों पर गंभीरता से लेना चाहिए, पर इस प्रकार से जो घटना हुई है, ये भाजपा का जो असली चेहरा है वो सबके सामने आ गया है। भाई 15 वर्षों से आप सत्ता में रहे, अभी सत्ता से अलग हुए मात्र 6 माह हुआ है, उस प्रकार की ऐसी घटनाएं आप कर रहे हैं। कानून के तहत वो अतिक्रमण हटाने गए, जो आपने बोला, मैं सोचता हूँ कि अभी तरुण है वो, इस प्रकार की घटनाओं से उन्हें दूर रहना चाहिए। तो शायद ये शोभा नहीं देता है कि काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को गुंडागर्दी के जरिए आप उनका दमन करना चाहते हो, ये शायद ठीक नहीं है। इससे बड़ा ख़राब मैसेज सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में गया है। तुम कितने भी बड़े बाहुबली हो, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि यहाँ लोकतंत्र है मध्य प्रदेश में भी, और तुम्हारे नेता नरेंद्र मोदी चिल्लाते कल भाषण दे रहे थे लोकसभा में कि भारत में लोकतंत्र सदियों से है। भारत आज़ाद हुए अभी 70-72 साल हुए, उन वो सदियों से, तो भैया उसी की बात मान लो कि लोकतंत्र है अभी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 15 साल में जो गुंडा राज के चलते कभी कोई उनके खिलाफ FIR नहीं होती थी, चाहे ये हत्या करते थे, चाहे रेप करते थे, चाहे दुकान जलाते थे, मकान जलाते थे, कोई भी कानून की धज्जियां उड़ाते थे, इन पे कोई एक्शन नहीं होता था। अब सरकार बदली है, कांग्रेस की सरकार में हर वो असामाजिक तत्व जो कोई भी कानून तोड़ेगा उस पे कार्रवाई होगी, चाहे उनके दूसरे लोग थाना घेरे, चाहे कोर्ट घेरे, इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। BSF फ्रंटियर हेडक्वार्टर मेघालय ने बुधवार को ड्रग्स अब्यूज और इलिसिटेड ट्रैफिकिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करों 2019 के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए विषय स्वास्थ्य के लिए न्याय और न्याय के लिए स्वास्थ्य है। UK नायल उप महानिरीक्षक PRO BSF मेघालय ने सभी स्थानीय लोगों से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ने की अपील की और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के विषय पर जोर देते हुए नशीली दवाओं की लत और अवैध तस्करी के खतरों पर जोर दिया। लुधियाना में औद्योगिक क्षेत्र में लोगों ने बुधवार को प्रदर्शन किया, जहां औद्योगिक क्षेत्र के प्रधान और जनरल सेक्रेटरी सचिव बिजली दफ्तर में धरना दिया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से 5 रुपए बिजली देने के वादे को पूरा करे, तो वहीं बढ़ी हुई विद्युत दरों को वापस ले। इस दौरान धरना दे रहे औद्योगिक क्षेत्र के लोगों ने चीफ इंजीनियर को ज्ञापन भी सौंपा। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और BJP विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा क्रिकेट के बल्ले से निगम कर्मचारी को पीटने का मामला सामने आया था, जहां BJP के नरेंद्र सिंह राणा ने कहा है कि मुझे लगता है कि इस घटना की जांच होनी चाहिए, यदि उसने सरकारी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न की है तो उसे कानून से निपटा जाना चाहिए। ये भी संभव है कि उसे बदनाम करने की रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल में काफी लोकप्रिय नेता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसकी जाँच हो, और यदि उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है या सरकारी काम में बाधा पहुंचाई है, तो
तो निश्चित रूप से एक जिम्मेदार बाप के बेटे हैं, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यदि यह जानबूझकर, जैसा कि वो पश्चिम बंगाल में काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं और देश विरोधी ताकतें उनको बदनाम करने की कोशिश में भी लगी हैं, तो ये एक षड्यंत्र भी हो सकता है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। बुधवार को विश्व भर में नशा विरोध दिवस मनाया गया, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पिछले साल 7 राज्यों की बैठक लेकर ड्रग्स को खत्म करने की चर्चा की थी। तो वहीं फिर एक बार बैठक में राजस्थान और जम्मू कश्मीर के अधिकारी मौजूद नहीं थे। इस बैठक में सभी अधिकारियों ने अपनी प्रैक्टिस के बारे में आपस में चर्चा की और एक दूसरे को नशे से निपटने के नए तरीके सुझाए। संबंध में आज बैठ करके हमारे पुलिस के जितने अधिकारी प्रदेशों के आए हैं, आज 6 प्रदेशों के पुलिस अधिकारी आज हैं यहाँ। राजस्थान से किसी कारण से उनको आना था, लेकिन उनके डीजी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण से वो नहीं आ पाए आज, और जम्मू कश्मीर के नहीं आए हैं, लेकिन कंट्रोल बोर्ड ये सबका रहेगा। तो सब लोगों ने अपना विचारों का आदान प्रदान किया, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने अपने प्रदेश में चल रही हैं उनका सबने विचार किया है, और इसमें चाहे वो ड्रग की स्मगलिंग है या जो ड्रग का सेवन करते हैं या जो व्यापार के नाते से ड्रगों की इधर से उधर ले जाने के काम में लोग लगे हैं, ऐसे सब के ऊपर कंक्रीट कोई ना कोई योजना बना करके इस विषय से कैसे हम निजात पाएं, इसके ऊपर विचार किया गया है। पंजाब के अमृतसर के अटारी रेलवे स्टेशन से महाराजा रणजीत सिंह की जयंती मनाने और विश्व के विभिन्न संगठनों के सहयोग के लिए एक विशेष ट्रेन द्वारा 224 सिख समुदाय के लोगों का एक जत्था पाकिस्तान के लिए रवाना किया गया है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर गुरुवार सुबह एक विमान IAF जगुआर विमान क्रैश हो गया, जहां बताया जा रहा है कि विमान के फ्यूल टैंक से पक्षी टकराने के कारण हादसा हुआ है। हालांकि विमान का चालक सुरक्षित उतरने में सफल रहा। विमान एयरफोर्स स्टेशन की सीमा के अंदर गिरा है, इसलिए वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल मौके पर वायुसेना के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।